इस वीडियो में आपको रीट मेन एग्ज़ाम 2023 का प्रश्न पत्र हल कराया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150, समय होगा 1.5 घंटे और पूर्णांक होंगे 300 का, यानी प्रत्येक प्रश्न 302 अंक का होगा और इस तरह से 150 के 300 प्रश्न हो जाते हैं। अब इसके निर्देश देखते हैं। OMR सीट में रोल नंबर सही भरें, 4 गोलों में से एक गोले को नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना है, 1 से अधिक गोले भरने पर या गलत उत्तर होने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी। चलिए अब हम प्रश्न पत्र को हल करते हैं। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है? पाली, जयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, स्वर्ण यानी सुवर्णगिरी राजस्थान के सुवर्ण राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? अगर स्वर्ण होता यहाँ पर स्वर्ण तो जैसलमेर को जाता, लेकिन सुवर्ण बोल रहा तो आबू, जैसलमेर, जालौर, गागरौन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जालौर। जालौर में सुवर्णगिरी पर्वत है, जैसलमेर में स्वर्णगिरी पर्वत है। अगला प्रश्न, टावर री मौत माथे गाइजन बाला लोकगीत कहिजे। टावर री मौत माथे गाइजन वाला लोकगीत कौन सा कहा जाता है? रतिजोगा, हीड़ा, ओलू, छेड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा छेड़ा लोकगीत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत शक्ति। सही आंसर हो जाएगा जल विद्युत शक्ति। कौन सा रचनाकार कबीर साते साते अच्छा गद्यकार भी कहा है? तो ऐसा कौन सा रचनाकार है जो कवि होने के साथ साथ में अच्छा गद्यकार है? शिवदास गांडण, ऑप्शन देखते हैं, शिवदास गांडण, बादर, शिवदास गांडण, बादर, कवि कल्लोल, दलपत विजय। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा शिवदास गांडण, ऑप्शन ए। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में मिलता है, कौन से जिले में मिलता है अर्जुन का वृक्ष? जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झालावाड़। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? केवला देव, सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंद्रा हिल। सही आंसर होगा रणथंबोर। बीसलदेव रासों में कौन सा रस प्रधान है? बीसलदेव रासों में कौन सा रस प्रधान है? वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस। तो इसका सही हो जाएगा श्रृंगार रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस। पन्ना ने किसके जीवन को बचाया था? ऑप्शन है राणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा उदय सिंह,
राणा राज सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा उदय सिंह। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? चीन, बलूचिस्तान, लाहौर, बंगाल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर। राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? ये आभूषण है, कान, पांव, नाक, सिर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाक। नाक में पहने जाते हैं। राजस्थान में 2013-17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी? पुरुष जीवन प्रत्याशा 66.8 वर्ष, 66.3 वर्ष, 70.9 वर्ष, 68.5 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 68.5 वर्ष। किण संप्रदाय रा अनुयायी उभाने पगा अंगारा माथे निरत कर्या करें? निरत यानी किस संप्रदाय के अनुयायी नंगे पैर अंगारों पर नृत्य किया करते हैं? ऑप्शन रसिक संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, गूदड़ पंथ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जसनाती संप्रदाय। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है कौन सा दुर्ग कहलाता है? एरण दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारिधि दुर्ग, धानव दुर्ग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पारिख दुर्ग कहलाता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग कहलाता है पारिख दुर्ग, ऑप्शन बी। मदार बांध नदी पर बनाया गया था, कौन सी नदी पर मदार बांध बनाया गया? साबरमती, बेड़च, सोम, माही। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेड़च नदी। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? कोटा, चित्तौड़, अलवर, भरतपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अलवर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये रीट का पेपर है और आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली, लाल लोमी। सही आंसर हो जाएगा भूरी रेतीली, मृदा में नाइट्रेट पाया जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? बूंदी, करौली, झालावाड़, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
करौली। बागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है, यानी बागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन देखो, कोटा झालावाड़, अजमेर टोंक, डूंगरपुर बांसवाड़ा, राजसमंद भीलवाड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? ऑप्शन देखो, सर्व हितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, महेश्वरी युवा मंडल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्व हितकारिणी सभा। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किस जिले से नहीं गुजरता? अलवर, दौसा, जयपुर, कोटा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर। निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंग अनुपात मिलता है? करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, करौली। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? गोद लेना, जड़ूला, पनघट पूजा, टीका। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टीका। पूंछी जिसको पूंछी के नाम से भी जानते हैं, पूंछ के नाम से भी जानते हैं, यह आभूषण कहाँ पहना जाता है? गर्दन, नाक, कलाई, पैर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कलाई में पहना जाता है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन देखो, मंडोर, फलोदी, खेजड़ली, बिलाड़ा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खेजड़ली। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, गजनेर पैलेस बीकानेर, रामबाग पैलेस जयपुर, डीग पैलेस भरतपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण, अग्निकुंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे के उपकरण। यहाँ पर कांस्य सभ्यता थी, कांस्य। कांस्य सभ्यता थी कालीबंगा में, लोह सभ्यता नहीं थी। रूख सतसईरा रचनाकार है? महावीर प्रसाद जोशी, मुरलीधर व्यास, लक्ष्मण दान कविया, राम स्वरूप किसान।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण दान कविया, रुख सतसईदा लेखक। झाड़ौल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, सावणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? ऑप्शन देखो, ताम्र उपकरणों के भंडार, लघु पाषाण उपकरणों की खोज, पाषाण युग का केंद्र, नव पाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ पर मिले हैं, तो ताम्र युगीन सभ्यता पाई गई यहाँ पर। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? ऑप्शन देखो, वीरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह, मालदेव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदेव। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? ऑप्शन देखो, कातली, सावी, मसूरदी, जाखम। सही आंसर हो जाएगा जाखम, सौमाही जाखम, त्रिवेणी संगम, ऑप्शन डी। गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है? ऑप्शन देखो, सहरोल, सहलोत, गामेती, भगत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहलोत। राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किन्नरी पिछाण नहीं है? मतलब राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किसको नहीं जाना जाता है? ऑप्शन देखो, ब्रजमोहन जावलिया, विजयदान देथा, भंवरलाल भ्रमर, रामपाल सिंह राजपुरोहित। तो यहाँ पर चारों के चारों ही कहानीकार है, तो इसमें बाउंस देने की पूरे पूरे चांस है, यहाँ पर आपको स्टार मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र है? ऑप्शन देखो, 23, 25, 27, 29। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27। मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नी है, यानी कि मारवाड़ी कौन से क्षेत्र की मुख्य बोली नहीं है? ऑप्शन देखो, जोधपुर, अजमेर, सिरोही, भरतपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतपुर। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया? ऑप्शन देखो, महाराजा माधो सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा माधो सिंह। कौन सी तिलहनी फसल
दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। ऑप्शन देखो, मूंगफली, सरसों, तिल, अरंडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूंगफली। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। ऑप्शन देखो, खेजड़ी, खैर, नीम, सालर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खैर। कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो, धौलपुर, कोटा, अलवर, करौली। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, करौली। वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन देखो, अजमेर सिरोही, अलवर भरतपुर, पाली जोधपुर, कोटा बूंदी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजमेर सिरोही। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखो, शुभ शक्ति योजना, नवजीवन योजना, स्वाधार गृह योजना, पालनहार योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभ शक्ति योजना। ১৯৭৭ में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर पीडी शुक्ला, डॉक्टर श्रीमन नारायण, डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, ऑप्शन ए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन देखो, बच्चे की उम्र, बच्चे की क्षमता, माता पिता की शिक्षा के आधार पर, बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे की उम्र के आधार पर। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ऑप्शन देखो, निःशुल्क वर्दी वितरण, स्कूल में दूध वितरण, टीकाकरण, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कूल में दूध वितरण। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? ऑप्शन देखो, प्राचार्य, राज्य के शिक्षा मंत्री, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के हेडमास्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। अक्टूबर 2022 में कॉल इंडिया एवं
राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो कौन से स्थान पर किए गए? ऑप्शन देखो, पूगल बीकानेर, फलौदी जोधपुर, नौख जैसलमेर, सीतापुरा जयपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूगल बीकानेर। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो, जोबनेर, भरतपुर, सूरतगढ़, बस्सी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरतगढ़। अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, यानी किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है अपूर्वी चंदेला? ऑप्शन देखो, राइफल शूटिंग, एथलेटिक्स, गोला फेंक, बैडमिंटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइफल शूटिंग। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन देखो, 1,00,000 रुपये, 65,000 रुपये, 31,000 रुपये, 21,000 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31,000 रुपये। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है? ऑप्शन देखो, 18 से 50 वर्ष, 16 से 55 वर्ष, 18 से 60 वर्ष, 18 से 62 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 से 60 वर्ष। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का योगदान पूछ रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का। ऑप्शन देखो, शिक्षण तक सरल पहुंच, कार्यभार तक सरल पहुंच, स्कूलों तक सरल पहुंच, शिक्षा तक सरल पहुंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा तक सरल पहुंच। क्योंकि देखो यहाँ पे टीचिंग का मतलब पढ़ाना है और लर्निंग का मतलब सीखना, तो ये सीखना है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है? सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूल में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। ऑप्शन देखो, कौन से वर्ष में? वर्ष 2020-21, वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20, वर्ष 2021-22। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2021-22, ऑप्शन डी। श्री मधुकर गुप्ता का पद है? ऑप्शन देखो, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, राज्य वित्त के आयोग अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष राजस्थान, राज्य सूचना आयुक्त राजस्थान, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जा गया था? ऑप्शन देखो, अजमेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, अलवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दौसा। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे को की जाएगी, यानी किसको प्रतिपूर्ति दो वर्ष में, यानी वर्ष में दो बार की जाएगी? ऑप्शन देखो, स्थानीय प्राधिकरण, प्राचार्य, विद्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खंड शिक्षा अधिकारी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन से अधिपत्र द्वारा करता है? ऑप्शन देखो, 157, 155, 153, 163। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 155 के तहत नियुक्ति करेगा। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में है? बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर, अजमेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री गंगानगर। अरडोइटिस नाइग्रीसेप्स ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन देखो, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, वृक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी। अरडोइटिस नाइग्रीसेप्स ये पक्षी किसका नाम है? गोडावण, गोडावण। तो गोडावण को कहते हैं अरडोइटिस नाइग्रीसेप्स। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्ण मिल्स निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, यानी कहां पर इसकी स्थापना हुई? ऑप्शन देखो, साहेपुरा में, किशनगढ़ में, भीलवाड़ा में, ब्यावर में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यावर, अजमेर में। आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवाएं शर्तें निर्धारित है। कौन सी धारा में शिक्षकों की नियुक्ति, योग्यता और अर्हता और सेवा को शामिल किया गया है? ऑप्शन देखो, धारा 22 में, धारा 23 में, धारा 24 में, धारा 25 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 23 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जहान खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया? ऑप्शन देखो, अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर।
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखो, 1990 में, 1991 में, 1993 में, 1992 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 में। पेस्टिडेस पेटिटिस रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP है। ऑप्शन देखो, पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम, बच्चों को कुपोषण से बचाने हेतु यूनेस्को का कार्यक्रम, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन कार्यक्रम। तो यहाँ देखो रूमिनेंट आ रहा है, यानी रूमिनेंट मीन्स आंत्र, तो आंत्र के लिए आएगा, पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला NEP 2020 के अनुसार CNECCE का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऑप्शन देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं, बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल, बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई? नई ग्रामीण पर्यटन नीति, ऑप्शन देखो, 10 नवंबर 2022, 4 सितंबर 2022, 24 नवंबर 2022, 12 दिसंबर 2022। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 नवंबर 2022। अगला प्रश्न दोस्तों, ये मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं और मैथ के प्रश्नों के आंसर हम आपको बताएंगे, इनकी फुल डिटेल में जानकारी के लिए आपको अलग से वीडियो बना रखा है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। हर प्रश्न के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप इनका उत्तर डिटेल से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है? 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, kx प्लस 6y बराबर 7। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं, k बराबर 4, k बराबर 4 नहीं है, k बराबर नहीं है माइनस 4 के बराबर है प्लस माइनस 4 के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि के बराबर नहीं है 4 के। अगला प्रश्न, बहुपद 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 के गुणनखंड होंगे। ऑप्शन देखो, √3x - 2 इंटू 4x प्लस √3, √3x प्लस 2 इंटू 4x - √3, √3x - 2 इंटू 4x - √3, 2√3x - √3 इंटू 2x प्लस 2।
तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडर रूट 3x+2 कोष्टक बंद कोष्टक चालू 4x-√3। इसकी डिटेल से लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो मैथ के क्वेश्चनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। अगला क्वेश्चन है 68वां, जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है, धन कितना है? अभी सब मूलधन पूछा गया है, मूलधन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 24,000 रुपये। इसकी डिटेल से लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगला क्वेश्चन है फैक्टर्स यानी गुणनखंड, 16-x6+2xq/q-y6। तो इसका गुणनखंड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, xq-yq+4xq-yq-4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से आप डिस्क्रिप्शन में देखना, लिंक दे रखी है। तो सारे प्रश्नों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मैथ के क्वेश्चनों की। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आकार की सॉरी आधार की परिधि 44 मीटर है, टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर कैनवास का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि शंकु के त्रियक वक्र पृष्ठ का क्षेत्र पूछ रहा है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πrl। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 268.5 m² वर्ग मीटर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इसकी डिटेल से देख लेना। अगला प्रश्न है 0.1254 और 54 के ऊपर बार है, इसको भिन्न रूप में बदलना है। तो इसको भिन्न रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बार को हटाएंगे और फिर इसका भिन्न रूप बदलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 69.69/550। इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसकी लिंक। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, वह संख्या कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, यानी कि n^6। सॉल्यूशन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ देखिए। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 इसका आंसर आएगा। सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ देखना। अगला प्रश्न है, ए तथा बी के पास कुछ सेब है, यदि ए बी को 2 सेब देता है तो ए के पास बी से 2 सेब रह जाते हैं, यदि बी ए को
10 सेब देता है तो उनके सेबों की संख्या आपस में बदल जाती है। ए तथा वी के पास कुल कितनी सेबें हैं? तो दोनों के पास कुल सेबें बतानी है। सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ देखना। यहाँ मैं आपको आंसर बताता हूँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 42। अगला प्रश्न, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि प्रति संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग है। सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन देखें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी 40। अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 3x-4° तथा 3x+10° है तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज के दोनों कोणों का योग यानी आसन्न कोणों का 180° होता है, इसके आधार पर इसको निकालेंगे। लिंक, सॉल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर के देख लेना। आंसर होगा इसका सही ऑप्शन ए, यानी कि 83। अगला क्वेश्चन है, तो ये प्रश्न है, आयत चित्र को पढ़ो और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनका जेब खर्च भत्ता 40 रुपये से कम है। तो यहाँ पे आयत दे रखा है, ये आयत चित्र है, और यहाँ पर देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 30 आएगा। सॉल्यूशन आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक दे रखी है। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 2:3-4 के अनुपात में है, यदि उनके घनों का योग 21,384 हो तो सबसे बड़ी संख्या है। सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके देख लेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी 24 आएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले? सॉल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के देख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 77%। अगला क्वेश्चन, यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है तो एन की घात 2n माइनस 4 की घात 2n हमेशा भाज्य है, तो ये किससे भाज्य है ये संख्या? सॉल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जा कर के देख लेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 तथा 13 से। अगला प्रश्न, एक बटा दो प्लस 1/3 का 10% होगा। सॉल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी
0.833 के ऊपर बार। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स अनुपात वाई बराबर 3:2 हो तो तब अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² बराबर होंगे। सॉल्यूशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30:19 होगा। यदि बहुपद kx² माइनस 3x माइनस 6k के शून्यकों का योग उनके गुणन के बराबर है तो k का मान होगा। तो ये प्रश्न नंबर 84 है, तो 84 नंबर की आप लिंक देख लेना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइनस 1/2। अगला प्रश्न, तो आपको लिंक मिलेगी इनके क्वेश्चनों की संख्या के हिसाब से आपको लिंक मिल जाएगी। 3842 का 1/2 प्लस एक्स का 1/15 बराबर होता है 2449, तो एक्स का मान क्या होगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 85 नंबर की लिंक देख लेना। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3520 रुपये आएगा एक्स का मान। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ एक चित्र दे रखा है, ए सी बराबर ए बी बराबर ए डी तथा कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी तब बी सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी आएगा। सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 86 नंबर की लिंक देख लेना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है? पाई, माइनस 1/√2, माइनस 1/3 पर घात 1/2, √-4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रम समानुपाती है। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में टूट जाता है, यानी कि 1:2:3:4 में टूट गया। टूटे हुए टुकड़े रुपये 210,000 कम में बेचे गए, तो बताएं हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा? इसकी भी लिंक आपको, सॉल्यूशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 88 नंबर की लिंक देख लेना, वहाँ मिल जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 लाख रुपए होगी इसकी वास्तविक कीमत। अगला प्रश्न, √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 का मान होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 आएगा। तो यहाँ से हल करना शुरू करेंगे, 49 से 749, फिर 29 में जोड़ देंगे, फिर इस तरह से इसका वर्गमूल निकालते जाएंगे और लास्ट में 3 बचेगा। यहाँ से शुरू करेंगे इसको,
फिर इसमें जोड़ने के बाद फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसमें जोड़ करके इसका वर्गमूल निकाल देंगे। इस तरह से इसको हल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में कोण क्यू पी आर का अर्धक पी एस है तथा पी टी लंब है क्यू आर पर एवं कोण क्यू अधिक है कोण आर से, तब कोण टी पी एस होगा। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 कोण क्यू माइनस कोण आर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि क्यू कोण का आधा होगा, माइनस आर को घटाते हैं तब। अगला प्रश्न देखते हैं। घनमूल 13.608 स्क्वायर माइनस 13.392 का होल स्क्वायर बराबर होगा। इसका सॉल्यूशन करने के बाद हमें करेक्ट आंसर प्राप्त होगा इसका ऑप्शन सी, यानी 1.8। अगला प्रश्न, तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक दिन के सापेक्ष 15 मिनट का भिन्नांक निरूपण होगा, यानी 45/ एक दिन कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा 1/32। अगला प्रश्न है, संख्या 21, 22, 23 से लेकर 40 तक है। एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है, यानी कि इनमें से अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या निकाल करके उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें मिलेगी 4 अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, तो 4/20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1/5। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तथा अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, सातवां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। यदि सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 हो तो, 19 हो। इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 19 होगा। अगला प्रश्न, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6561 है, यदि इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 9,000 रुपये इसका मूल्य आएगा 3 वर्ष पहले का। सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न है, एल्कोहलीय किण्वन जो यीस्ट में मिलता है निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, पायरुविक अम्ल पर अम्ल पर एंजाइम क्रिया करता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है, फिर एसिटाल्डिहाइड पर एंजाइम क्रिया करता है, एथिल अल्कोहल बनता है। तो अभिक्रिया में एंजाइमों के नाम बताने हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज पायरुविक अम्ल पर क्रिया करता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड पर
पर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कार्य करता है और एथिल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी गैस उत्पन्न करता है? ऑप्शन देखो, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया हो। गुरुत्वीय त्वरण का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा होगी यू बराबर एम जी एच, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। और यहाँ ऑप्शन दे रखे 50 जूल 100 जूल 150 जूल 200 जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 जूल आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जीवाणु जनित रोगों के उदाहरण को चुनिए। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटेनस। तो यहाँ पर जीवाणु जनित रोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों के चारों ही जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, अब ये बायो के प्रश्न चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है? ऑप्शन देखो, एमाइलेज, सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय घटक है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र बताना है। ऑप्शन देखो, CaOCl2, CaO2Cl, CaCl2, CaOCl। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaOCl2। तो यहाँ पे कोष्टक गलत लगा दिया है, इससे कन्फ्यूज़न हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? ऑप्शन देखो, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षण बल। अगला प्रश्न है, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं वह है? ऑप्शन देखो, बेसोफिल, लसिकाणु, इओसिनोफिल, एक केंद्रकाणु, मोनोसाइट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोनोसाइट, एक केंद्रक अणु। जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखो, बढ़ता है, घटता है, बदलता नहीं है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन देखो, सेलुलोज, स्टार्च, रेयन, आरएनए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रेयन। क्वासियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन
प्रोटीन, आयोडीन, लोहा, विटामिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन की कमी से क्वासी और कौर। निम्न में सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है, इन परमाणुओं की संख्या बतानी है। तो परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक मोल में एवोगाड्रो संख्या होती है, एवोगाड्रो संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। और मोल जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसमें ही परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 12 ग्राम हीलियम में। और इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगला प्रश्न, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन देखो, सेलुलोज गैलेक्टन व मेनन से, सेलुलोज हेमीसेलुलोज व प्रोटीन से, सेलुलोज पेक्टिन व प्रोटीन से, सेलुलोज पेप्टाइडोग्लाइकन व पेक्टिन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुलोज गैलेक्टन व मेनन से बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं। ऑप्शन देखो, कोई भी प्रतिजन नहीं और ए वे भी प्रतिरक्षी, ए वे भी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं, ए प्रतिजन और वी प्रतिरक्षी, बी प्रतिजन और ए प्रतिरक्षी। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह, तो सर्वग्राही रुधिर समूह कौन सा है, तो सर्वग्राही रुधिर समूह है ऑप्शन ए बी। तो ए बी में कौन कौन से प्रतिजन होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, ये पूछ रहा है। तो ए बी रुधिर वर्ग की बात कर रहा है, ए बी रुधिर वर्ग की। तो इसमें प्रतिजन ए बी होते हैं और एंटीबॉडीज कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ऑप्शन देखो, CaSO4.5H2O, CaSO4.1/4H2O, CaSO4.1/3H2O, CaSO4.2H2O। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaSO4.5H2O। अगला प्रश्न, ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम संबंधित है। ऑप्शन देखो, ऊष्मा से, कार्य से, आंतरिक ऊर्जा से, तापमान से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान से। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ले रहित अंगक है। ऑप्शन देखो, माइक्रोबॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। अगला प्रश्न, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर कब उतरे थे। ऑप्शन देखो, जुलाई 1969 में, सितंबर 1969 में, जुलाई 1970 में, सितंबर 1970 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1969 में। अगला प्रश्न, जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। ऑप्शन देखो, जिंक हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम, सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट तथा जल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा
सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस बनते हैं जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराने पर। पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। ऑप्शन देखो, 20,000 किलोमीटर, 26,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36,000 किलोमीटर पर भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न, एक कार वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2π rads/s है, उसका आवर्तकाल होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं, 0.5 π/s, 1 s, आधा सेकंड, 5 s। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 s। किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है? अम्लीयता कम करने के लिए क्या मिलाते हैं? ऑप्शन देखो, भुजा हुआ चूना, जिप्सम, कास्टिक चूना, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, भुजा हुआ चूना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुजा हुआ चूना। अगला प्रश्न, जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन देखो, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, 12 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र मैं आपको बताता हूँ, 1/3 + 1/3, 1/R = ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 ओम आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा h/2π का पूर्णांक गुणज है? ऑप्शन देखो, गतिज ऊर्जा, परमाणु की त्रिज्या, स्थितिज ऊर्जा, कोणीय संवेग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोणीय संवेग। अगला प्रश्न, आत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती है, यानी आत में कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती है? ऑप्शन देखो, मुख्य कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं, पेप्टिक कोशिकाएं, ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, गोबलेट कोशिकाएं। एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन देखो, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के प्रकाशीय प्रभाव पर, धारा के तापीय प्रभाव पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा के तापीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है? ऑप्शन C6H6, C2H6, C2H4, C3H4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C3H4, और इसका सूत्र ये है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका जड़त्व गुण सबसे ज़्यादा होगा? तो जिसका वेट ज़्यादा होगा उसी का जड़त्व गुण ज़्यादा होगा। तो देखिए, ऑप्शन देखो, साइकिल,
स्कूटर कार ट्रक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ट्रक का। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान कीजिए व सही विकल्प को चुनिए। तो जंतुओं के नाम दे रखे हैं कॉलम में, दूसरे कॉलम में उत्सर्जी अंग दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। तो यहाँ देखो, प्लेनेरिया, कैचुआ, कॉकरोच, प्रॉन, मेलपी की नलिकाएं, श्रृंगिक ग्रंथियां जिनको ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं, ब्रकक, ज्वाला कोशिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी सी ए वी। तो यहाँ देखिए, कैचुए में क्या पाए जाते हैं, ब्रक पाए जाते हैं, ब्रक और त्वचा से कैचुआ उत्सर्जन करता है। प्लेन एरिया में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि फ्लेम सेल्स बोलते हैं इसको। कॉकरोच में मेलपी के नलिकाएं पाई जाती है, और प्रॉन में श्रृंगिकाएं श्रृंगिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनको ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं। ब्रक नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? ऑप्शन देखो, ऑक्सीटोसिन, एंजियोटेंसिन, रेनिन, वैसोप्रेसिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैसोप्रेसिन। निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? भारतीय शिक्षक कौन सी समस्या का सामना नहीं करते? ऑप्शन देखो, पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ, प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी, संस्था की कमज़ोर वित्तीय स्थिति, भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब का सामना करते हैं लेकिन जो सकारात्मक दृष्टिकोण है प्रबंधन से संबंधित, तो उसका सामना नहीं करते। अगला प्रश्न, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, यह किस उपागम का सिद्धांत है? ऑप्शन देखो, व्यवहारवादी, वस्तुनिष्ठवादी, संज्ञानात्मकवादी और रचनावादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानवादी। मामूली से माध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं, यानी कौन से कारक सीखने में बाधा डालते हैं? ऑप्शन देखो, परासंज्ञानात्मक कारक, क्रियात्मक कारक, सामाजिक कारक, संज्ञानात्मक कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक कारक। गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है। ऑप्शन, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना, वास्तविकता और धारणा के बीच बड़ा अंतर बनाना, संचार के प्रभावी तरीके की सुविधा देना, अपना खुद का डिजाइन बनाना या मौजूदा का उपयोग करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना।
गणितीय पत्रिका है? ऑप्शन देखो, गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन है, गणित के सवालों का एक संग्रह, प्रमेय प्रमाणित करने के लिए संदर्भ, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन है। अगला क्वेश्चन 31वां, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? ऑप्शन देखो, निर्माण का सिद्धांत, उपयुक्त प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? ऑप्शन, समय की बचत, शिक्षार्थी केंद्रित विधि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक, वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय की बचत। तो यही इसका दोष है क्योंकि इसमें पर्याप्त समय लगता है। अगला क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के रूप में किसको अपनाया जाना चाहिए? ऑप्शन देखो, कक्षा शिक्षण, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, स्व अनुदेशात्मक शिक्षण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनौपचारिक शिक्षण। अगला क्वेश्चन, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं, यह किस प्रकार का रचनावाद है? ऑप्शन, सामाजिक रचनावाद, मौलिक रचनावाद, सांस्कृतिक रचनावाद, संज्ञानात्मक रचनावाद। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मौलिक रचनावाद। विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन बी, निबंधात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी, लघुत्तरात्मक परीक्षण, ऑप्शन डी, मौखिक परीक्षण। तो यहाँ पर भाषा अभिव्यक्ति का योग्यता और संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची एक को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। एक सूची में लेखक दे रखे हैं और दूसरी सूची में संप्रत्यय दे रखे हैं।
तो यह बर्ट व वर्नर, तो यहाँ पर देखते हैं बर्ट व वर्नर ने दिया था बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत बर्ट व वर्नर ने दिया था। स्पीयरमैन ने एक कारक सिद्धांत और दो कारक सिद्धांत दिया था, जिसको बोलते हैं स्पेशल फैक्टर और जनरल फैक्टर, यानी सामान्य कारक सिद्धांत और विशेष कारक कहा था। गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत और स्टर्नबर्ग ने दिया था बुद्धि का ट्राई आर्क सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास प्रभावित होता है केवल आनुवंशिकता से, केवल वातावरण से, केवल संस्कृति से, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है एम ए बटा सी ए इंटू 100। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसिक आयु बटे देहिक आयु गुणा 100। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। तो यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, जैसे कि कुछ बहुवचन ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन इस तरह से नहीं बनता, कुछ में एस लगता है, कुछ में ई एस लगता है और कुछ में आई एस लगता है। तो इस तरह से बहुवचन बनाने का तरीका गलत है, तो इसी को कहते हैं हम ऋणात्मक स्थानांतरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसे बालक तो सीख रहा है लेकिन गलत सीख रहा है, इसको ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं, क्योंकि सभी के बहुवचन ऐसे नहीं बनते। अगला प्रश्न, अब देखो यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है? ऑप्शन है धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिकता। अगला, समस्त मानवों में गुणसूत्र होते हैं 22, 44, 23, 46। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 46। थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? तो सीखने का नियम है प्रयास एवं त्रुटि। ऑप्शन देखो, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, संतोष का नियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्यास का नियम। इसमें प्रयास और त्रुटि की जाती है, यानी अभ्यास करता है बालक तो जैसे कि साइकिल चलाना सीखता है तो प्रयास करता है, फिर त्रुटि करता है, धीरे धीरे सीखता है, किस तरह तो अभ्यास करना प्रयास त्रुटि। अगला, क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? ऑप्शन देखो, अधिगम सामग्री, शिक्षक, वातावरण, पुनर्वलन। तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था बी एफ स्कीनर ने, और बी एफ स्कीनर ने चूहे का प्रयोग किया था, मीठी गोली दी थी और उनको वैसे छोड़ दिया था। तो जैसे ही वो मीठी गोली मिलती है तो आगे खरोचना शुरू कर देता है, खोदना, तो इसको क्या मिलता है? पुनर्वलन मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। ऑप्शन देखो, बिने ने, थॉर्नडाइक ने, कैटल ने, स्टर्न ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिने ने दिया था मानसिक आयु का संप्रत्यय।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? ऑप्शन प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, दमन, प्रक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य प्रतिस्थापन, यानी लक्ष्य को ही हटा देना है। अब प्रश्न आते हैं, कंप्यूटर के प्रश्न हैं, पांच प्रश्न कंप्यूटर के। फोन लाइन एवं मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है। फोन लाइन को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है और यह क्या कहलाता है? ऑप्शन फाइबर ऑप्टिक, डिश, डिजिटल, डायलअप। तो इसको कहते हैं फोन लाइन को इंटरनेट से जोड़ने की जो प्रक्रिया है मॉडेम के माध्यम से, इसको बोलते हैं डायलअप। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ई वैलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक वैलेट या इंटरनेट वैलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया है? ऑप्शन देखो पेटीएम, भीम, पेजैप, फोनपे। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पेजैप। अगला प्रश्न, बिटकॉइन वॉलेट में जारी किया गया यानी बिटकॉइन वॉलेट कौन सी सन में जारी किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखो 2009, 2011, 2012, 2014। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2009 में इसको जारी किया गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है। रिलेशन, डोमेन, एट्रीब्यूट, टपल। सही आंसर हो जाएगा इसका रिलेशन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप हमारे साथ इतनी समय तक बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर करना। चलिए लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं, जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है, जब डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में संचारित किया जाता है, जो हेडर ए से पांचवी सतह में जाता है जिसे बी की सतह प्राप्त करता है, तो बी की कौन सी सतह प्राप्त करती है? यानी कि जब डेटा को डिवाइस ए की पांचवी सतह से भेजा जाता है और डिवाइस बी की कौन सी सतह प्राप्त करती है? तो इसका ऑप्शन है सेशन, फिजिकल, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेशन। तो सेशन सतह डेटा को प्राप्त करती है दूसरी डिवाइस की और पहली डिवाइस की पांचवी सतह डेटा को भेजती है। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्लीट 150 प्रश्न। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को